Hello and welcome to my channel Project PMYP. This is a series of current affairs जहाँ पे करंट अफेयर्स प्रैक्टिस होने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक फॉर UPPCS 2023 जो कि 14th ऑफ अप्रैल को है. सो ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुके हैं, आज हमारा 5th वीडियो है ये. सो लेट अस बिगिन. ओके, वेयर विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन रीबिल्ड. वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ से फिर से बनाया जाएगा? वो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे था, उसको फिर से बनाया जा रहा है. इंडियाज फर्स्ट एग्री चैट बॉट अम्मा क्रुश एआई लॉन्च इन विच स्टेट. चैट बॉट अम्मा क्रुश कहाँ पे लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में. ये एग्री चैट बॉट है, एग्रीकल्चर रिलेटेड. विच कंट्री विल होस्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस अगस्त. मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा. इस बार कहाँ हुई थी? इस बार विशाखापट्टनम में हुई थी. 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस बिगिंस इन विच सिटी? इट इज हेल्ड इन जयपुर. 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर में. हु रिसीव्ड एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है टीके रंगराजन को. एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टीके रंगराजन. हु लॉन्च द बुक? मोदी. शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स इन चाणक्यापुरी. किसने लॉन्च किया है ये बुक मोदी, शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स? इट इज जेपी नड्डा. इट इज लॉन्च्ड बाय जेपी नड्डा. द डीपेस्ट साल्वेज इन अरेबियन सी वॉज कैरिड आउट बाय विच INS इन इंडिया? इट इज INS निरीक्षक. INS निरीक्षक. हु वॉन अर्जेंटीना ओपन टाइटल? इट इज कार्लोस अल्काराज. Who won gold in 10 meter air rifle at ISSF World Cup? It is Rudraksh Balasaheb Patil. Gold इन्होंने जीता है 10 meter air rifle at ISSF World Cup. Rudraksh Balasaheb Patil. Next, Reserve Bank of India medium term strategy framework for the period 2023-25 that was launched by श्री शक्तिकांत दास इज नेम्ड एज उत्कर्ष. ये क्या है? मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है बाय आरबीआई. किसने लॉन्च किया? शक्तिकांत दास ने. नाम क्या है? उत्कर्ष. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? कोलकाता. क्या नाम है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन. नेम द ऑथर ऑफ ब्रुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी. किसने ये बुक लिखी है? ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी. इट इज रिटन बाई काकी माधव राव. इट इज रिटन बाई काकी माधव राव. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी फ्रॉम इंडिया रोज बाई हाउ मच परसेंट टू 4 lakh tons इन 2022. करेंटली कितना है? 4 lakh ton कॉफी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. कितना परसेंट राइज हुआ है? 1.66% राइज हुआ है. नेक्स्ट, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर 2022 हैज बीन इंक्रीज टू 16 मंथ हाई एट हाउ मच परसेंटेज फ्रॉम 8%? इट इज 8.30%. इंडिया में 8.30% अनएम्प्लॉयमेंट है. सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज. सियोम ब्रिज किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश. किसने इनॉग्रेट किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सीएम सुक्ष्म सहायता कोच? किसने लॉन्च किया है? सीएम सुक्ष्म सहायता कोच. इट इज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, हु बिकेम फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान? पहला डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान कौन है? प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक. इट इज प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक, फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान. विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स? ये हमने पढ़ा था, केरला रोबोटिक स्कैवेंजर्स यूज कर रहे हैं मैन होल्स को क्लीन करने के लिए. व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब लॉन्च हुई थी? 24 फरवरी 2019. इंडिया अलोंग विद व्हिच कंट्री हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन ऑयल एंड गैस सेक्टर इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म क्रूड परचेजेस? इट इज गुआना. नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट एनजीओ डे सेलिब्रेटेड? इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2010.
which is 2010, first NGO day. Which state government will build the country's first marine or boat basin offering dockage? Which state government will build country's first marine or boat basin offering dockage? It is built by Karnataka. Amit Shah addressed Kol Janjatiya Mahakumbh organized on the occasion of Sabarimata Janma Jayanti. Sabarimata Janma Jayanti ke avsar par Kol Janjati Mahakumbh Amit Shah dwara address kiya gaya. Ye kahan pe hai? Madhya Pradesh. Ellora Ajanta International Festival kahan manaya gaya? Maharashtra. President Draupadi Murmu inaugurated Samvidhan Udyan at Raj Bhavan in Rajasthan. Samvidhan Udyan kahan pe hai? Rajasthan mein. Kisne inaugurate kiya? Draupadi Murmu. Which state has launched two program named Didir Suraksha Kavach and Didir Doot ahead of 2023 Panchayat polls? It is launched by West Bengal. Didir Suraksha and Didir Doot. You can write ऐसे याद कर सकते हो ना, दीदी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. तो दिदिर सुरक्षा एंड दिदिर दूत. ओके. यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेमिंग ऑफ मोपा एयरपोर्ट इन गोवा आफ्टर द नेम ऑफ मनोहर पारिकर. मोपा एयरपोर्ट का क्या नाम पड़ने वाला है? किनके नाम पे? मनोहर पारिकर. हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल अम्बेडकर ए लाइफ? अम्बेडकर ए लाइफ बुक किसने लिखी है? शशि थरूर. Which city police has won Best Police Unit Award for 2021? It is Nagpur Police and Jalna Police Best Police Unit. 2021 ka hai ye, dhyan dena. Squadron leader Avni Chaturvedi, the first female fighter pilot of Indian Air Force, is scheduled to participate in inaugural air exercise Veer Guardian. The exercise is set to take place in which country? It is set to take place in Japan. Veer Guardian, Japan. Avni Chaturvedi, she is the first female pilot in Indian Air Force. ठीक है, next. जो participate करेंगी इस exercise में. Who was awarded the award for global leadership in recognition of his lifetime of service to the legal profession in India and around the world by Harvard Law School Center on Legal Profession? Doctor, he is D.Y. Chandrachud, Justice D.Y. Chandrachud. इनको क्या अवार्ड मिला है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप. ठीक है, किसने दिया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अवार्ड दिया है. नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिगन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इट इज स्टार्टेड बाई गुजरात. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिसेंटली अनवील्ड 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ पोलो प्लेयर इन विच स्टेट? इट इज इन मणिपुर. What is the national theme for National Science Day? Theme क्या थी National Science Day के? It is Global Science for Global Wellbeing. Global Science for Global Wellbeing. Next, exercise Desert Flag was held in UAE. Desert Flag exercise कहाँ पे है? कहाँ पे हुई है? UAE. Next, the Dhanu Yatra Festival, the largest open air theatre festival, began in which country? It began in Odisha. Dhanu Yatra Festival कहाँ पे हुआ? उड़ीसा. ये क्या है? ओपन थिएटर फेस्टिवल. इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट वोटिंग फॉर होम? फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स. रिमोट वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग लाए हैं जिसके लिए डोमेस्टिक माइग्रेंट्स. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड जुआरी ब्रिज. जुआरी ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है. कहाँ पे है ये जुआरी ब्रिज? इट इज इन गोवा. Which state police has received International Association of Chiefs of Police Award for Nijat Campaign? Nijat Campaign किस state की police ने चलाया था? It is Chhattisgarh. इनको award भी मिला है, International Association of Chiefs of Police Award. Next. So ये आपके pointers थे. अब शुरू होती है एक एक news detail में, which is पहले political and national affairs. आप get the status of national party. ठीक है, तीन पार्टीज का नेशनल स्टेटस हटाया गया है और आपको नेशनल स्टेटस दिया गया है. इट इज ऑन April 10, 2023. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रू द नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एज नेशनल पार्टी. द इलेक्शन कमीशन डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ पार्टीज पोस्ट परफॉर्मेंस द 2014 and 2019 लोकसभा पोल्स एंड 21 स्टेट असेंबली पोल्स सिंस 2014. आप
Beside Delhi, Goa, Punjab, AAP became a state party in Gujarat after 2022 assembly elections where it secured 12.92% of votes. ठीक है. India has six national parties: AAP, Bahujan Samaj Party, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India, Marxist, Indian National Congress, National People's Party. क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन बन सकता है. क्या क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी के लिए? इट इज इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट. मिनिमम 3 स्टेट से 2% मिनिमम सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में. इफ कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 or more states इन लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस and has at least 4 MP in Lok Sabha polls. At least 6% valid votes होने चाहिए in 4 or more states in last Lok Sabha or assembly election. तो अभी चौथा state Gujarat बन गया ना आपके लिए. It has secured 12.something% of vote. It is recognized in 4 or more states. 4 से ज़्यादा states में होना चाहिए. तो आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ पे state party है? It is Delhi, Goa, Punjab and now in Gujarat. Next. इंडिया गेट्स 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कितने बिग कैट्स है टोटल? 7. इंडिया में कितने बिग कैट्स है? 5 out of 7. चीफ भूपेंद्र यादव हैज अनाउंस ट्रांसलोकेशन ऑफ 12 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया. भूपेंद्र यादव इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. कब हुआ ये ट्रांसलोकेशन? 18 February 2023. कहाँ से? साउथ अफ्रीका. कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. ठीक है. 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था. अर्लियर इन September 17, 2022 8 चीता वर बॉट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया. पहले 8 चीता ऑलरेडी आ चुके हैं नामीबिया से, अब 12 चीता आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से. ये भी कूनो में आए थे और ये भी कूनो में आ रहे हैं. वन ऑफ 8 चीता शाशा डाइड ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन ऑन March 27, 2023. एक चीता मर भी गया जिसका नाम शाशा था. ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर ट्वीटेड In March 2023 that 4 cubs of cheetah has been born in 6 km enclosure to Kuno National Park. 6 बच्चे भी पैदा हुए हैं. 6 cubs have been born. Objective क्या है इसका? To establish breeding cheetah population in safe habitats across its historic range to manage them as metapopulation. अब cheetah के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. Cheetahs in wild both male and female have average life span of 10 to 12 years. Gestation period कितना होता है? 93 days का. ठीक है. 1, 2 से लेकर 6 cubs तक ये लोग एक बार में बर्थ देते हैं. चीता जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है. 110 km/h से ज्यादा की स्पीड है. जस्ट ओवर इन 3 सेकेंड में इतनी स्पीड पकड़ लेता है. अफ्रीकन चीता विद सेवरल सब स्पीसीज हैव ऑकरिंग. कौन सा इनका स्टेटस है? हमने पहले भी देखे थे वल्नरेबल स्टेटस इन IUCN रेड लिस्ट. अफ्रीकन चीता को वल्नरेबल स्टेटस मिला है. 83 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस. 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? जयपुर राजस्थान. कब हुआ है? 11 जनवरी 2023. प्रिसाइडेड बाय ओम बिरला हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा. अर्लियर दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन राजस्थान इन 2011. फोर्थ टाइम इन जयपुर. चौथी बार जयपुर में हो रहा है. ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया दैट कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स इन 2021 में इसने 100 ईयर्स पूरे कर लिए हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन 2021 इन शिमला हिमाचल प्रदेश. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन शिमला 1921 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी. ठीक है. एसटी स्टेटस टू गोंड कम्युनिटी इन 4 districts ऑफ यूपी. गोंड कम्युनिटी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है टू डिक्लेयर गोंड कम्युनिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इन 4 districts एज शेड्यूल्ड ट्राइब. ये 4 districts कौन कौन से हैं? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली एंड कुशीनगर. द बिल वॉज पास बाय लोकसभा इन April 2022. लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया है. द पासिंग ऑफ बिल विल एंश्योर द इंक्लूजन ऑफ गोंड कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ 4 districts ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट. असेंबली इलेक्शन 2023 त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन. यहाँ पे 60 members हैं. काउंटिंग आपकी 2 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे. बीजेपी केम टू पावर मेजोरिटी 32 सीट्स जीत ली है फॉलोड बाय टिपरा मोहता विद 13 सीट्स. मील बाई कांग्रेस बैक थर्ड 3 सीट्स एंड CPI मार्क्सिस्ट गॉट 11 सीट्स.
कौन जीता है? बीजेपी, 60 मेंबर्स होते हैं, ये याद करने की चीज है। बीजेपी लीडर मानिक साहा ये बन गए हैं आपके सीएम ऑफ त्रिपुरा सेकेंड टाइम के लिए। मेघालय में भी हुआ है, यहाँ पे भी कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स है टोटल। मेघालय रिकॉर्डेड 81.57 वोटर टर्नआउट इन पोलिंग बाय वोटिंग, बट वोटिंग वॉज हेल्ड इन 59 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकॉज ए कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी डाइड इन मेघालय। तो 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हैं लेकिन इलेक्शन केवल 59 में हुआ है। 2 तारीख को वोट के रिजल्ट्स आ गए। कॉनराड सांगमा बन गए हैं आपके नए सीएम यहाँ पे मेघालय के, मानिक साहा बने हैं त्रिपुरा के, कॉनराड सांगमा बने हैं मेघालय के एंड ही इज ऑल्सो फॉर सेकेंड टर्म। नेक्स्ट, नागालैंड असेंबली इलेक्शंस, यहाँ पे भी 60 सीट्स हैं, तो आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, 3 जगह इलेक्शन हुए, तीनों जगह 60 सीट्स हैं। यहाँ पे द रूलिंग एनडीपीपी भाजपा हैज रिटेन्ड पावर इन नागालैंड एंड टू पार्टीज हैव सिक्योर्ड 33 सीट्स। दोनों पार्टी का कोलिजन जो है 33 सीट्स बैक किया है। एंड सलहुतनो क्रूसे फ्रॉम वेस्ट अंगामी असेंबली सीट्स एंड हेकानी झकालू फ्रॉम दीमापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दो विमेन हैं जो पहली बार स्टेट असेंबली में आई हैं, ठीक है, नागालैंड की। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नागालैंड पॉलिटिकल स्टालवर्ट नीफू रियो टुक ओथ एज सीएम, यहाँ पे बने हैं सीएम नीफू रियो, नीफू रियो यहाँ पे थे कॉनराड सांगमा। नेक्स्ट, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स, ये भी हमने पढ़ा था कि इसने बंदीकूट नाम का एक रोबोट बनाया है जो मैन होल्स को क्लीन करेगा, सीवेज क्लीनिंग करेगा। अभी तक हाथ से लोग क्लीन करते थे विच वॉज वेरी अनहाइजेनिक और जो कि बीमारी का घर था, अब बंदीकूट जो है वो सीवेज वगैरह क्लीन करेगा, इट इज रोबोटिक स्कैवेंजर। किसने लॉन्च किया है? केरला में, ठीक है। बंदीकूट इज डेवलप्ड बाय केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स, जेन रोबोटिक्स हैज रिसेंटली बैग्ड केरला प्राइड अवार्ड एट हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय केरला स्टार्टअप मिशन। नेक्स्ट, मोधेरा इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज, मोधेरा के बारे में कुछ जानकारी, किस बैंक पर सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सन टेम्पल किसने बनवाया था, ठीक है, चलो। और 9th October 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स ओवर 3900 crores टू नेशन इन मोधेरा। ड्यूरिंग द ओकेजन पीएम ऑल्सो डिक्लेयर्ड द विलेज मोधेरा एज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। मोधेरा पहला ऐसा विलेज है टू बिकम नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। इट विल बी द फर्स्ट मॉडर्न विलेज टू हैव सोलर बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। मोधेरा के बारे में, यहाँ पे एक सन टेम्पल है जो किंग भीम ने बनवाया था, वो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये सन गॉड को डेडिकेटेड है। और किस रिवर के बैंक पर है ये? पुष्पावती रिवर। 2014 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल इकोसिस्टम तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन इन स्टेट बजट। द मिशन इज टू इम्प्लीमेंट विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट at an estimated cost of 2000 crores for over next 5 years is aimed at preventing sea erosion, reducing marine population pollution and conserving marine biodiversity. World Bank ke saath milke Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary is announced in state budget for financial year 2023-2024. ye question ban sakta hai ki Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary kahan hai, option mein Kerala and Tamil Nadu both ho sakta hai, it will be in Tamil Nadu. It will be spread at 80,567 hectares in the forest areas of Anthiur and Gobi Chetty Palayam in Erode district of Tamil Nadu. This will be the 18th wildlife sanctuary of the state and will link Nilgiri's Biosphere Reserve with Kaveri South Wildlife Sanctuary. ठीक है, ये Nilgiri Biosphere Reserve को Kaveri South Wildlife Sanctuary से link करेगा। इसका नाम क्या है? Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary. Next. 17 भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे मनाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। पोस्टल स्टैम्प रिलीज बाई सुरक्षित जयन प्रशिक्षित जयन, ठीक है, सुरक्षित जयन प्रशिक्षित जयन।
and also inaugurated first ever digital PBD exhibition on the theme Azadi Ka Amrit Mahotsav, contribution of diaspora in Indian freedom struggle. ये theme थी आपकी, contribution of diaspora in Indian freedom struggle. The theme of Pravasi Bharatiya Divas is diaspora reliable partners for India progress in Amrit Kal. इस साल की theme क्या है? Diaspora reliable partners for India's progress in Amrit Kal. ठीक है. Over 3500 diaspora members from nearly 70 different countries have registered for Pravasi Bharatiya Divas convention. The chief guest कौन था? Dr. Mohammed Irfan Ali, Guyana के president. Dr. Mohammed Irfan Ali was the chief guest. And guest of honor आपके थे Mr. Chandri Prasad Sankohi, the president of Suriname. ठीक है, Suriname के president guest of honor थे और chief guest आपके थे Guyana के president Mohammed Irfan Ali. Next, मणिपुर शंघाई फेस्टिवल. ये भी क्वेश्चन है अपने में कि शंघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, नवंबर में मनाया जाता है. द थीम क्या था? फेस्टिवल ऑफ वननेस. द थीम ऑफ शंघाई फेस्टिवल वॉज फेस्टिवल ऑफ वननेस. ठीक है. द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द एनिमल शंघाई. इसका कॉमन नेम क्या है? शंघाई ब्रो एंटलर डियर, डांसिंग डियर. स्टेटस क्या है? शेड्यूल वन ऑफ WPA एंड एंडेंजर्ड है आपकी IUCN रेड लिस्ट में. ठीक. नेक्स्ट, कादमत बीच एंड ठुंडी बीच, दो बीचेस हैं केरला के लक्षद्वीप के, इनको मिला है ब्लू फ्लैग टैग. कादमत बीच एंड ठुंडी बीच, इनको मिल गया है ब्लू फ्लैग, जो कि होता है इको लेबल होता है ये, इंटरनेशनल इको लेबल. ठीक है, ये आपका मैप है. यहाँ पे कौन कौन से बीचेस हैं जो आपके ब्लू फ्लैग के अंडर हैं, भी टोटल 12 बीच हो गए हैं. गोल्डन बीच, ऋषिकोंडा बीच, कोवलम बीच, एडन बीच, कप्पड़ बीच, राधा नगर बीच, शिवराजपुर बीच, गोगला बीच, कासारकूट बीच, पाडुबिडरी बीच, थुंडी बीच एंड कार्डमट बीच. ठीक है, इतने सारे बीचेस हैं जिनको ऑलरेडी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है. ये कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. ब्लू फ्लैग इज वॉलंटरी टैग गिवन टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्लीन बीचेस विद हाइजीनिक फैसिलिटीज. नेक्स्ट, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस. On 8 December 2022, Gujarat and Himachal Pradesh assembly election results were declared. 156 seats जीती है भाजपा ने गुजरात में. Total 182 members हैं आपके state assembly में. ठीक है, 182 गुजरात में कितने? 182. अभी ऊपर देखे थे नागालैंड में, मेघालय में टोटल 60 चल रहे थे वहां पे, त्रिपुरा में भी 60. द पीपल ऑफ गुजरात वोटेड इन टू फेज ऑन 1st and 5th December. दैट वोटर कितने थे? 64.85. मेघालय में कितने थे? समथिंग 80% अप्रोक्स. हिमाचल प्रदेश वोटेड इन सिंगल फेज ऑन 12th नवंबर. हिमाचल प्रदेश वोटर टर्नआउट वाज मोर देन 74%. इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 40 सीट्स इन 68 मेंबर असेंबली. हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी सीट्स हैं आपकी? 68. यहाँ पे कौन जीता? कांग्रेस. और गुजरात में टोटल कितनी सीट्स हैं? 182. यहाँ पे कौन जीत रहा है? भाजपा विथ 156 सीट्स. कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुक्खू became the new CM of Himachal Pradesh. President of India election. आपको पता है इस बार हमारी first female president from a tribe. She is the first tribal president of India. Shrimati Draupadi Murmu. ये 15th president है. ठीक है. Won by Shrimati Draupadi Murmu. NDA candidate. Runner up कौन थे? Yashwant Sinha. UPA candidate. Schedule of election 15 June to 22 July. मेथड ऑफ इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट. इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज जो कि है दिल्ली एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी. आर्टिकल 55(3) प्रोवाइड दैट इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एज इलेक्शन shall be held by secret ballot. To win, candidate must secure 50% of the total vote cast. Vice presidential election में श्री जगदीप धनकर became 14th vice president of India. 14th vice president कौन है? श्री जगदीप धनकर. He replaces श्री M. वेंकैया नायडू whose term ended on 10th August 2022. CDS amended service rules.
army, navy and air force. Ministry of Defence has issued gazette notification to amend regulations of three defence forces, army, navy and air force, related to appointment of chief of defence staff. Prime Minister of India has announced the creation of post of CDS. Kab ye post bani thi? 15th August 2019. Who was our first CDS? He was late Mr. Bipin Rawat. General Bipin Rawat. Theek hai? The Cabinet Committee on Security of 24th December 2019 took the decision to create CDS. The CDS is permanent chairman of Chief of Staff's Committee and act as principal military advisor to Raksha Mantri on all tri-services matter as to provide impartial advice to the political leadership. Former Chief of Army Staff, Lieutenant General Bipin Rawat, took the office as country's first CDS on 1st January 2020. Bipin Rawat was martyred in a chopper crash on 8 December 2021. Key points kya hai? Changes in eligibility criteria. An officer who is serving as Lieutenant General or General, or an officer who has retired in the rank of Lieutenant General or General but has not attained the age of 62 years on the date of his appointment can be appointed as CDS. CDS ke appointment kaun ban sakta hai? He should be a member jiski age 62 years se kam hai, और वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल हो, या फिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल हो. द एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 65 ईयर्स विथ नो फिक्स्ड टेन्योर, अनलाइक द सर्विस चीफ विथ जस्ट 3 ईयर्स ऑफ टेन्योर और 62 ईयर्स ऑफ एज. तो 62 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है, इसके ऊपर अगर आप है तो आप सीडीएस नहीं बन पाएंगे. यू शुड बी लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल. और मैक्सिमम एज कितनी है? 65 ईयर्स. 65 ईयर्स पे यू हैव टू रिटायर. ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं. कल से फिर आगे की सीरीज शुरू होगी. दिस इज अ सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द बुक घटना चक्र करंट अफेयर्स. इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है फ्रॉम 1st of April 2023 टू 15th of April 2023. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS 2023 जो कि 14th of May को होने वाला है. स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज अगर आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन ताकि मैं जब भी वीडियो डालू यू शुड गेट एन अपडेट और आप फटाक से वीडियो देख लो. शेयर दिस वीडियो टू एज मच पीपल एज पॉसिबल ताकि जो लोग बुक्स वगैरह नहीं ले पाए हैं, जो लोग दूर रहते हैं, सिटी से बाहर रहते हैं, जिन्हें बुक नहीं मिल पाई है, दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस बुक. थैंक यू एंड जय हिंद.